अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है वो वीडियो के स्टार्ट में एक मिशन मिला है भाई। अभी आया हूँ तो सुना है कि कल से बछड़ी जो है वो छोटी वाली वो खुली हुई है और हाथ में आ नहीं रही। अभी उसके लिए चेन लाए क्योंकि वो रस्सी काट के जो है ना वो निकल जाती है और क्या कहते हैं फिर वो इधर उधर पूरे फार्म पे भाग रही है तो वो हाथ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले उसको पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं वीडियो के जो है ना वो बनाएं उसको पूरा, बाकी जो है ना सर वही पकड़ देंगे। एक मिनट आ रहा हूँ, बस ज़रा देखते हैं क्या सीन होता है। अच्छा जी, वो बछड़ी जो है ना वो चारे के टाइम पे तो आगे तो खड़ी हो गई, चारा वारा निपटा दिया। ये रही ये रही, अच्छा अच्छा ये रही बीच में खड़ी है। आ जाओ, मेरे ख्याल में हाथ में आ जाएगी आराम से। कह रहे कल से जो है ना वो आ गई नजर में, इतना आसान काम था। तुमने तो ऐसे मुझे बोला हुआ था कल से हाथ में नहीं आई। हाँ बंदे के साथ पकड़ लेते हैं तो इसके लिए जो है ना वो चेन लेकर आ गया। माशाल्लाह तमाम जानवर देख सकते हैं, देख के वो रस मोड़ा निकल रहा है ना सर भाई, मोड़ा निकल रहा है, नहीं निकलेगा तो सर भाई इसका है ना बछड़ी का एक खूंटा छोड़ के बांध दो। हाँ क्योंकि ये बड़ी वाली मारती है इनको थोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बछड़ी कैसी हो गई आपको तो इसका बताइए। बहुत छोटा सा बच्चा पकड़ी है, थी तो खूबसूरत शुरू से ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है माशाल्लाह से। अगर इसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है तो रस्सी तो ये अभी भी खा सकती है नसर भाई, वो जो वो नीचे से वो नहीं खाएगी। अच्छा ऊपर से खाती है, अच्छा ऊपर से जहाँ से कटी हुई है। हाँ यहाँ से कटी हुई। अच्छा, और कौन सा खा रहा है? ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। आई थिंक इनकी डिवॉर्मिंग का टाइम हो गया। उसको जो है नहीं वो लगा था, ये अभी नहीं खा रहा है, वो देख खा रहा है अभी। अच्छा ये नायलॉन की लगा दी। हाँ नायलॉन की लगा दी उसको। अच्छा, इसको देख के लेना, नायलॉन से ना वो जख्म ना हो जाता है नाक पे बहुत तेजी से, वैसे तो आम रस्सी से भी हो जाता है। ये जो है ना आप लोग को भी एक वो बता दूं कि यहाँ पे ना इसका मुंह था ना, ये नाक के ये हिस्सा होता है ना, ये देखें नाक के इस हिस्से पे ना रस्सी गड़ी रहती है ना तो जख्म हो जाता है। ज़रा ये टाइम टू टाइम ज़रा देखते रहा करें, जैसे इस बछड़ी का भी हुआ था ना सर भाई। इसके स्प्रे लगाओ फिर से, इसकी इसकी रस्सी हटाएंगे ना, देखिएगा आपको मैं दिखाता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी देखें पता भी नहीं चल रहा कि इसके कुछ होगा। ये देखें ये देखें, वो रस्सी मुस्तकिल रहती है, इसमें वो लगा दो स्प्रे लगा दो, आयोडीन भी लगा सकते हैं वो, वैसे तो वो जो स्प्रे पिंकी स्प्रे कह रहे हैं या वो स्प्रे लगा के ना ये भर जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप खाल की जो वैक्सीन के लिए जो टीका लगता है वो भी ऊपर से जो है ना इसके ड्रॉप्स लगा के यूँ यूँ उसको मल दें, या फिर खोपरे का तेल, तो ये सारी चीज़ें हैं स्प्रे वगैरह जो है ना वो स्प्रे आसान है। इसका भी देखें, इसका घड़ा है लेकिन जो है ना वो ज़ख़म नहीं हुआ है। तो ये मूवमेंट, अब इसका ये मोरा पहले ढीला था अब टाइट हो गया है क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा हुआ है ये। मैं इनसे कहता हूँ थोड़ा सा जो है ना ढीला कर दें, बाकी राजा माशाल्लाह अब सेट है। वो मेरी जान खुल ली आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, दोनों तरफ चारा खा चुके हैं ये सब। नसर भाई ये छोटा वाला है ना इरफान भाई वाला, इसकी जो है ना नखेल ढीली कर दो, मोहरा ढीला कर दो। हाँ नहीं नहीं इसका इसका भी मोहरा टाइट हो गया है, बड़ा हो गया इसका भी थोड़ा, काफ़ी छोटे में बांधा था 2 महीने पहले आई थिंक बांधा था इसका ये मोहरा, जब इस फार्म पे आए थे उससे थोड़े पहले ही मारा था। हाँ ये थोड़ा टाइट हो गया, उसके भी गड़ा हो रहा है, ये देखें ये स्प्रे कर दिया है, सेट हो जाएगा। थोड़ा सा कर दो ना सर भाई, ये थोड़ा गड़ है ना। हाँ निकले नहीं, वह ऐसे करो दोस्तों। इसका नाम हरिक भाई, वैसे बता दें खुद ही हरिक भाई अगर बताना चाहें वो
वो बता दें, मच्छरों के लिए भाई ये नसर भाई ने आग लगाई तो मतलब धुआं किया है, इसका नाम अगर वो खुद सजेस्ट करें या फिर आप लोग बताएं कोई। और ये इनमें इसमें से किसको हुई थी सूजन कल? दूसरे वाले को। अच्छा, इसके जो है सूजन थी तो कल मैं आ नहीं सक रहा था, थका था मैंने। अच्छा तो ज़रा कैसे लगा, जाओ ज़रा आराम से दूर से ना स्प्रे कर दो, लग जाएगा। और वो इंजेक्शन लगाने ना अभी? हाँ मुझे दो, मैं लगाता हूँ। अच्छा चलें, आप लोगों को आज दिखा भी देता हूँ मैं कैसे लगाता हूँ इंजेक्शन। अब तो खैर आ ही गया। नहीं 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 ऐसे नहीं करो। हाँ लात तो खैर मार रहा, वैसे ही मारता था हल्की फुल्की, अब जब से वो हाँ मार दो मार दो मार दो, खैर है खैर है, इधर उधर कहीं भी लग गया। ये लात तो वैसे नहीं मारता। अरे उठा रहा है हल्के हल्के सर भाई। अच्छा मैं पकड़ता हूँ प्यार से, ये ऊपर चढ़ जाता है। जाओ अब जाओ, प्यार करो पहले, प्यार कर लो। हाँ पहले प्यार कर लो, डराओ नहीं उसको। देख के ना सर भाई लाज जो है ना, फौरन हाथ उठा देगा। थोड़ा सा और पास से कर दो, अब कर दो कर दो। उई, उई। देख के उसको कुछ हो रहा होगा। हाँ सही है हो रहा है। जख्म वैसा थोड़ी है कुछ जो इस पे जलन वलन होगी, तो ऐसे डर के मारे पैर उठा रहा है अभी। हिलाओ इसको, प्रेशर बनेगा, हिलाओ। उस तरफ करना है, हो गया सही है। तो इसको जो है ना, वो कल मैं तो नहीं आ सक रहा था तो मैंने कॉल कर दी थी, तो हमाद भाई खुद आ गए थे, तो उन्होंने इसकी इंजेक्शन कहाँ है रखा हुआ है रखा देखा ना, तो कल लगाया है एक, उन्होंने 4 बजे लगाया था, फिर इन्होंने सुबह लगाया है, और अब दोबारा उसके लगाने का टाइम हो गया है। अच्छा, दूसरा वो भी तो एक सूजन वाला लेकर आओ, वो भी बोलो बकरे खुल गए सर भाई, घूमने दें। अच्छा जी ये 25 cc लगेगा, सिरिंज 20 cc की है ये, तो पहला तो फुल लगेगा इसको, बाकी कार्टिनर लगेगा 10 cc। तो ज़रा अभी मैं जो है ना वो बल्कि इंजेक्शन निकालते हैं कार्टिनर। छोटे वाले हाँ यही काटी नहीं, देखो इसमें जो खुला हुआ है वो देखो। हाँ यही वाला खुला हुआ है, देखें भाई नसर भाई को भी याद हो गए। दो ये इंजेक्शन दोनों लगेंगे। नसर भाई तुम्हें पकड़ना है मोबाइल, पहले ये भरो। अच्छा अच्छा इसको एक दफ़ा खंगाल लो, इसके रिंच को ना जाओ वीडियो रखता, बल्कि वो खंगाल रहे थे। मैंने बोला अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने उस बंदे को सुनाई थी पानी के गंदे होने पे, क्योंकि उसने जो है ना लापरवाही की थी, मैंने उनको वो उसको बोला भी था कि वो इसको उस पानी को निकाल के नया पानी भरे, तो 2 दिन तक वो मेरी बात सुनी नहीं। बस नसर भाई बस। तो अभी मैंने बोला चलो, वो भी आप लोगों ने देखा था और थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था। ये भरो पहले, ये पूरी भरो फिलहाल, 20 ml लगा देता हूँ। खैर है कल उन्होंने ये पूरी सिरिंज यही भर के लगाई थी बस? मैंने देखा नहीं था, वो पहले लगा के। अच्छा लगा दिया था तो फिर बोला कि अच्छा चलो फिर 12 घंटे के बाद लगा दे। हाँ तो पानी जो है ना वो भाई साफ ज़रूरी है, बस वो उस दिन मिस्टेक हो गई थी उनसे, हमारी भी। अच्छा मुझसे कहा लोगों ने, कमेंट किया भाई इन पे नहीं छोड़ना चाहिए, सही बात है हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये है कि भरोसा फिर भी होना चाहिए। बस अब वो खैर खुद से चला गया, वो कल चला गया था ना। हाँ कल चला गया वो खुद से, वैसे ही वो 15 दिन के लिए उसको रोका था रखा था नसर भाई के जाने में।
चल भर दिया वो बैग, बैग खा वो चबा रहा है। चले मैं ज़रा नसर भाई को देता हूँ ये, अल्लाह करे नसर भाई को बटन नहीं दबाना ठीक है, सही है। और इसको ग्रिप पकड़ो, ये मुझे दो, फुल तो भरते, फुल भरा हुआ है ये है ना, ये भी हाथ में पकड़ लो भाई ऐसे ही, फुल नहीं भराना तुमने। नसर भाई जो है ना ये फुल, इसको हाथ नहीं लगाना है? इसको अरे खैर है, ये लात मारता है, इसको ही लगा पहले, इसको थोड़ी ल, इसको भी लगाना है। और क्या, दोनों को लगाना, दोनों को लगाने का और दोनों पक्का? हाँ ये सुखाने की है, नहीं पहले मुझे बता दे, दोनों को लगाना है, लगा दिए दिखा दो दो। हाँ हाँ वो तो पता भी नहीं चला, नहीं वैसे ये दर्द नहीं करता, ये वाला तेज नहीं है, आज तेज अबे यार ये बैग खाए नहीं मेरा, खा रहे हैं वही ना, बैग चेक कर रहे हैं मेरा। तुम देखो सही आ रहा हो भाई, सही सही है सर भाई, भाई नसर भाई बना रहे हैं वीडियो ना, सही सही बिल्कुल आ रहा है जैसे भर रहा है। ये तो एक तो लग गया भाई, बस बाकी एक लगा ना है? दूसरा ये 10 ml लगाना है, 10 लगाना। सुबह किससे लगवाया आपने? उससे फौजी से। ये पहले अभी तुम, अभी समझ गए, एक ही तरफ रख रहे हो मोबाइल, नहीं नहीं दिखाया नहीं मैंने, लगा दिखा, दिया दिखाया तू बाद में नहीं चेक करना। अच्छा अच्छा चले भाई देखते हैं नसर भाई ने क्या बनाया होगा, वैसे मैं चेक तो कर लूं, बन रही है वीडियो अभी। हाँ हाँ बन रही है, हाँ भाई बन रही है, तो ये 10 ml ये करने लिए सही है। अब तो मैं खुद भी अपने आप को प्रो कह सकता हूँ इस चीज में। हाँ अल्लाह का शुक्र है आ ही गया। अच्छा गोश्त में लगना था उसके लिए जो है ना ये थोड़ी सी बड़ी वाली जो है ना वो सुई होती है, एक खाल का टीका भी ऐसी होता है, उसका उसका जो साइज है ना थोड़ा सा जैसे छोटा होता है वो इतनी होती है बस, वो भी ऐसी ही घुसती है। अच्छा जी असर भाई अब तुम ये बस पकड़ लो जो है ना मुझे दे दो, अब ये तो बाद में पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो कमेंट आएंगे नसर भाई कि तुमने सही काम किया या नहीं। अच्छा बकरियाँ भी खुल गई नसर भाई, खैरियत है, ये क्या हो रहा है देख लो, मस्ती कर रहे हैं। ओए होए अच्छा अच्छी तो बात है, लेकिन देखो ना बाइक खड़ी है, इनको देखो लड़ा लड़ी चल रही है। नसर भाई ये उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, बंद कर दो इनको। ये अफसोस कर रहे हैं कि हमें क्यों बन रखा हुआ है। खुलियों पर चढ़ चढ़ के देख कैसे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह। अरे तेरी खैर, हिला दिया हिला दिया बकरी ने बच्चे को, हिला दिया। अपनी अपनी जगह पे भाई, अपनी अपनी जगह। अच्छा जी, हो गए सब बंद हो गए? ये नहीं है ना, इसलिए इनको इधर कोई गलत तो नहीं आया। हाँ इधर भी कोई गलत नहीं है, देखना वहाँ कोई बच्चा, वो एक बच्ची गई है वो। खैर है, वो तो आ ही जाएगी अंदर से। बाकी साइड है, वो साइड है नया वाला, किरण की जगह जो आया था खाने में है, मस्त हो गया है भाई। इसने दो दिन ऐसा तंग किया, जैसे बस आने के तीसरे दिन से, आने के तीन दिन बाद ऐसा बीमार हुआ। फिर अल्लाह का शुक्र है सेट है, साकी भी सेट है, थोड़ा सा खेल का मिला है आपको जो। अच्छा तो बकरे भी सेट हैं। अच्छा जी सर भाई, फिर वो मैं दिखा रहा हूँ इंजेक्शन ना, वो दूसरा वाला वापस लगाना है सुबह। हाँ दूसरी, हाँ एक आखिरी मरतबा लगेगा सुबह। वो रखा हुआ है, एक ख़त्म इसमें हो गया ना, वो रखा हुआ है। साफ सुथरा हो रहा है अभी। हाल की वैक्सीन इंशाल्लाह एक आध दिन में करना है मैंने, पॉसिबल है हफ्ते को सबमिट के साथ मिलके। तो वो भी थोड़ा, ये भी इनका भी दिन ख़त्म हो जाएंगे। क्या कहते हैं, हाँ माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो बेहतर। अच्छा सीधा भी हो गया, काफ़ी सीधा हुआ है वो। इधर से मार रहा है, ये वाला मार रहा है। हाँ तुमसे जो है ना हिल गया ये थोड़ा। उस दिन तो कैसा खुला था मेरे जाने से पहले नए वाले बंदे को ही उड़ा ही देता बस। उस वो पानी पिलाने, हाँ पानी पिलाने के लिए उसने रस्सी खोली इसकी और उसने इसको धक्का दे दिया। और फिर जो ये फार्म पे इधर उधर भागा, वीडियो इसलिए नहीं बनाए थे, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं आता। छोड़ दो नहीं वो करो। फिर इसको पकड़ के नसर भाई ने थोड़े से दो तीन डंडे कराए, फिर बांधा इसको। ये ना इसको ये मारता रहता है बदतमीज, माशाल्लाह। हैं इसका ना, इसका भी मोरा, इसका है मोरा बनाया है नहीं, इसका बनाया है पता नहीं। यार वाहज भाई को बोला तो था मैंने, अरे उसका भी लाना है यार मोरा। चलो उससे मंगवाता हूँ मैं, चलो मैं इंशाल्लाह, मुझे याद दिला देना। वो बछड़ी का लाना है, बछड़ी का मोरे का उसने कहा था शामीर ने, बछड़ी का मोरा लाना है, वो पहनाना है। चले दोस्तों, आज तो मैच भी है, घर भी जल्दी जाना है। पता नहीं ये वीडियो मैच के दौरान अपलोड होगी या मैच के बाद, हारे होंगे जीते होंगे क्या होता है। खैर अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे जीत जाए फाइनल भी इंशाल्लाह, तो मज़ा ज़्यादा आएगा। बाकी मैं जो है वो आज और कोई काम तो नहीं, ट्रीटमेंट वगैरह बस इनकी थी दोनों की। बकरे तो माशाल्लाह से सेट हैं, और बस एक बड़ा वाला जो हमारा सूखा है, जो बिल्कुल सूखड़ है, वो थोड़ा सा जो है जान नहीं अभी भी बना रहा, उसके हवाले से जो है देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसमें। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट थी, अपडेट क्या वो दुआओं के लिए कहना है, क्योंकि जो है वो ये बकरी को खैर देख ही रहे थे हम, आपको मैं बता ही रहा था इंशाल्लाह प्रेग्नेंट है, देने वाली है। तो ये नसर भाई का एक उनका अपना कहना है कि वो आज जो है पॉसिबल है कि आज ये इंशाल्लाह दे दे, तो देखते हैं। कि पिछली दफ़ा इसने दो बच्चे दिए थे, और इसका असल में पिछली दफ़ा दूध जल्दी सूख गया था, तो वो नीड उनकी पूरी नहीं हुई थी। बच्चे जो है ना वो एक आई थिंक एक महीने में ही एक्सपायर हो गया था। बाकी जो है वो दूसरी एक फ़ीमेल थी, वो थोड़ा टाइम रही लेकिन उसके अंदर कुछ और बीमारी हुई थी, तो ज़रा वो भी नहीं संभल पाई थी। तो दुआ करें, अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो है वो एक तो खैरियत से हो जाएं, और फिर अभी देखें बिल्कुल जो है ना ये तैयारी पे है, और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये
चाह रहा, अभी बैठी हुई थी अभी खड़ी हुई है, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि आज रात में या कल सुबह तक मैं दे दे ये। बाकी फिर इसकी बारी है लाल वाली की आई थिंक। नसर भाई सफ़ेद वाली के बाद किसका इसका नंबर है? सफ़ेद वाली के बाद ये नंबर है लाल वाली का? नहीं और तो करीब वाली कोई नहीं है ना फिर, जो देने वाली हो और बिल्कुल तैयार हो। मेरे ख्याल में तो उसी का है लाल वाली का। ये नए सिरे से हुई थी इसने, ये फिर गई थी तो ये दोबारा से क्रॉस हुई है। ये बच्ची भी बस अब इसने दूध उतारना तो शुरू किया है, अभी जो है वो दूध उतारना ही शुरू किया है बस इसने। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस बच्ची को। और थन इसने ही बनाना शुरू किए हैं लेकिन इसने दूध नहीं उतारा है अभी। खैर उसने भी थन ही बनाना शुरू किए हैं, दोनों का फर्स्ट टाइम है। इस लाल वाली का भी फर्स्ट टाइम होगा, इस बच्ची का भी फर्स्ट टाइम है। ये तो एक तरीके से इसकी माँ की हमारे फार्म पे ये बच्ची पैदा हुई, अब ये क्रॉस हुई भी है। तो देखते हैं अल्लाह खैर करे, दुआ करें अल्लाह जो है वो खैर वाफियत के साथ सारे मामलात करा दे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।